नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आप देख रहे हैं इस वक्त हरियाणा का नंबर वन शो, नाम है ब्लैक बॉक्स। अब की बार किसकी सरकार। आज जिस डिस्ट्रिक्ट का हम ये ब्लैक बॉक्स खोलने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के लिए इंडस्ट्रियल कैपिटल है। कारपेट इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए ये डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। लाखों करोड़ों में एक्सपोर्ट होता है और जो वहां के बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं, फिर भी हमारे यहाँ की जो हालत है, जो हालात हैं, वो उतने नहीं जिस प्रपोर्शन में हम टैक्स देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर तीसरी लड़ाई हुई थी, बहुत जबरदस्त वाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई। जी हाँ, आज ब्लैक बॉक्स है पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। चार हलके हैं और जो मौजूदा स्थिति है, चार हलकों में तीन हलके बीजेपी के पास है और एक हलके से इंडिपेंडेंट का झंडा बुलंद है। अब जबकि चुनाव सर पर है, तकरीबन 3.5 साल का वक्त निकल चुका है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार अगर वोटिंग हुई या आज की तारीख में वोटिंग हुई तो क्या बीजेपी वो 3 सीटें रिटेन कर पाती है, क्या वो जो इंडिपेंडेंट है वो अपनी सीट रिटेन कर पाते हैं। एक वक्त था जब पानीपत शहरी जो हलका है वहां पर बलबीर शाह का दबदबा था, वो किला टूट गया। क्या वो वापस आ सकता है, क्या कांग्रेस रिगेन कर सकती है, क्या INLD इस इलाके में अपने लिए नई जमीन तैयार कर सकती है, बहुत कुछ है जो समझना होगा हमें। फिलहाल हम आपको पहले पानीपत से आए हुए हमारे तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आप झंडा भी देखिए और उसके सामने बैठे हमारे नेताओं को भी देखिए। संजय छोकर साहब हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। और गोत्र तो बाद में पूछ लूंगा कि आजकल किस गोत्र में है। कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में बहुत सारे गोत्र चलते हैं, कई बार गोत्र बताने में लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। नहीं, और सवाल टिकट का हो तो गोत्र ना ही बता करके कंबल के नीचे काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। INLD से निशान सिंह मल्लिक साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके यहाँ भी सर वो चाचा भतीजा तो बाद की बातें हैं। हाँ, बाद में ही कर लेंगे सर, बाद में ही कर लेंगे। संजय भाटिया जी हैं, प्रदेश महासचिव BJP से। पिछले बार टिकट मिलता मिलता रह गया, गाड़ी लौटा दी थी लेकिन इलेक्शन कोई और लड़ गया। इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्थिति क्या होती है। और जब संजय जी के पास जाएं, दो दो संजय जी है, ये बीजेपी वाले संजय जी के पास जब जाएं तो पूछेंगे कि ये आपके कार्यकर्ता और मंत्री इतने नाराज क्यों हैं। मैं तो पहले हुडा साहब का सुनता था कि बड़े डिक्टेटर हैं, सुनते नहीं बात, आजकल खट्टर साहब का भी सुनने लगा हूं। बहरहाल, और यहाँ के पूरे गणित को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ खास तौर पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, डॉक्टर अनंत राम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज की तरह इस बार भी काउंटिंग सेंटर का मोर्चा साकेत सुमन संभाल रहे हैं, अमित शुक्ला हैं, और ये हमारा न्यूज रूम है जहां पर हमने ये सेट बनाया हुआ है। सर, हमारी, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो हिसाब किताब है, खुला खेल फरूखाबादी है। हम जो इसके पहले भी जब सर्वेस करते रहे हैं तो बहुत पारदर्शिता रखते हैं, और ये मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी क्रेडिबिलिटी इससे जुड़ी हुई है। अगर इतने सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसकी वजह हमारा इतिहास है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये हमारा स्ट्रांग रूम है। अब तो EVM का जमाना हो गया लेकिन हमारे पास तो बैलेट बॉक्स है और एक एक कर करके बैलेट पेपर्स आ जाए, और चूंकि आपके लेपल लगे वरना आपको काउंटिंग सेंटर ले जाते। इधर आ जाइए, एक बार जरा दिखा लीजिए, आप देख लीजिए सारे बॉक्सेस। ये वो ताला है जो हम ऑफिस से सील करके भेजते हैं, वो भी कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं। ये वो जगह है जहां से बैलेट पेपर्स डाले जाते हैं, आखिरी वोटर से हम इसे सील करवा देते हैं। तो आप देख लीजिए सर कि सब ठीक ठाक है, वरना छठे राउंड में जब
पूरे रुझान आ जाए तो कहीं ये ना कहें कि शशि जी वो लालू जी कहते हैं ना जीन निकलता है तो इसमें जीन निकलने लगे। जरा इधर भी दिखा दीजिए, हर टेबल पे एक बार दिखा दीजिए सर, तसल्ली से देख लीजिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिएगा, पत्रकारों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। ठीक है, देख लिया आपने, तसल्ली है? अपने शशि भाई इन दोनों भाइयों को ही दिखा दो। हाँ। आजकल ईवीएम से दिक्कत इनको ज्यादा रहती है, हमारे लिए ठीक है, ओके। तो आपका ठीक है, लेकिन ये तो बैलेट बॉक्स है। हाँ, ईवीएम फॉर्मेट बदल गया, फॉर्मेट बदल गया। यहाँ भी आप दिखा दीजिए, जरा हमारे एक्सपर्ट है, यहाँ भी दिखा दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब आप लोग अपनी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कीजिए। और जैसा कि हम लगातार आपको ये कहते हैं, मैं ये अक्सर कहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस ही पब्लिक डोमेन में नहीं है, हम मीडिया वाले लोग भी उतने ही सलीके से पब्लिक डोमेन में है। हमसे भी सवाल करने का आपका उतना ही अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। हर बार हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये सर्वे, ये ओपिनियन पोल जिसे हम रियल टाइम लाइव ओपिनियन पोल कहते हैं, ये हम कैसे करते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। जरा कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। चुनाव के वक्त मतदाताओं के मूड को समझने में जो राजनेता कामयाब हो जाता है वही जीत का परचम लहराता है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं। 2019 के चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं, इसलिए जनता टीवी की टीम निकल पड़ी जनता के बीच उनका मूड जानने। हमने हरियाणा के हर जिले का रुख किया, हर जिले के हर विधानसभा का जायजा लिया और जनता से ही जाना उनका मूड। हर विधानसभा से हमने 400 सैंपल कलेक्ट किए, यानी पानीपत जिले के 4 विधानसभा से हमने कलेक्ट किए 1600 सैंपल। जनता टीवी ने इस ओपिनियन पोल के लिए हर जिले के गांव, कस्बे और शहर का रुख किया। सैंपल कलेक्ट करने के दौरान हमने न सिर्फ महिला पुरुष मतदाताओं को बराबर का मौका दिया, बल्कि हमने अलग अलग आयु वर्ग का भी ध्यान रखा। इस सर्वे के दौरान हमने कास्ट रेशियो का भी ख्याल रखा। अब जबकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है तो हमने हरियाणा के मूड को जानने की पूरी कोशिश की। मतदाताओं का मूड जानने के लिए जनता टीवी ने तैयार किया ब्लैक बॉक्स। ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से हमने कैमरे के सामने ब्लैक बॉक्स को सील किया। और अब बारी थी पानीपत के मतदाताओं के मूड को जानने की। पानीपत जिला, जहां हमने मतदाताओं के सामने रखे सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और करवाया गुप्त मतदान। गुप्त इसलिए क्योंकि उनके मत का पता उनके सिवा किसी को नहीं था। हमने पूरी सैंपलिंग प्रक्रिया को कैमरे पर कैद किया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना पर रोक लगाई जा सके। 12 दिनों में हमने पानीपत जिले के 4 विधानसभाओं में सैंपलिंग की। अपने सर्वे के दौरान हमने हर विधानसभा के आखिरी मतदाता से ब्लैक बॉक्स को सील करवाया ताकि ब्लैक बॉक्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और अब आपका खत्म होने वाला है इंतजार और खुलने वाला है ब्लैक बॉक्स, तो तैयार हो जाइए पानीपत के मौजूदा सियासी समीकरण को समझने के लिए। चलिए, तो कंट्रोल रूम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बता दें कि एक नया ट्रेंड है फर्स्ट टाइमर वोटर्स का। फर्स्ट टाइमर वोटर्स बड़ी तादाद में आजकल निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं, तो हमने पूरी जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है उसको बहुत ही सलीके से रखा है। मेल फीमेल यानी पुरुष और महिला, ग्रामीण और शहरी इलाके, जातीय समीकरण और ये जो आप जो घंटी की आवाज सुन रहे हैं, ये हमेशा आपको अलर्ट करेगा कि काउंटिंग सेंटर कुछ कहना चाह रहा है। जी, ये ब्लैक बॉक्स वाणी है। पानीपत जिले के तमाम विधानसभाओं की काउंटिंग अब शुरू की जा रही है। चलिए, तो ये पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है, 4 हलके हैं और उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई दफा लोग मुझे पूछते हैं, सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि शशि जी, ये फलाने हलके का सर्वे हो गया क्या, फलाने हलके में आपकी टीम आई क्या? हमारा तरीका ही है डोर टू डोर जाने का। आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस इलाके में हमें ये लग जाता है कि यहाँ पर शायद वो गोपनीयता भंग हो रही है या शोर शराबा ज्यादा हो गया, वहां से हम टीम रिकॉल कर करके नई टीम वहां भेजते हैं।
अगर श्योर हो गया कि हमारी सैंपलिंग हो रही है तो उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश होती है। एक एक वोट हम अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे जो सहयोगी हैं वो भी किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठकर खुद ही ठप्पा लगाकर ना डाल दें। इसलिए एक एक वोट जो आप उसमें डालते हैं वो पर्सनली मैं और मेरी टीम उसे चेक करती है। जैसे ही वो यूनिट वो टीम जब वापस दफ्तर लौटती है और वो जो सील आप करते हैं आखिरी वोटर वो हमारे स्ट्रांग रूम में चला आता है। जरा अनंत राम जी से समझने की कोशिश करें जी, पानीपत जो इलाका है यहाँ पर, पानीपत शहरी इलाका जो वो बिजनेसमैन ओरिएंटेड है ना, पंजाबी बिरादरी है, लेकिन आप दूसरे इलाके में जाए तो जाट और गुजर भी है। ये एक ऐसा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सब तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, माहौल क्या रहने वाला है? देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमाएं जहाँ इधर सोनीपत से लगती हैं, इधर जो है उसके करनाल से लगती हैं, इधर यूपी के शामली से लगती हैं, और इसके अलावा ये जींद से लगती है। ये तो इसकी भौगोलिक दृष्टि मैंने बताई। और आज जो आपने बड़ा अच्छी बात पहले ही बता दी कि इस समय केवल एक इंडिपेंडेंट को छोड़ के तीनों सीटें बीजेपी के पास है। और आपने ये भी अपने उसमें सर्वेक्षण में बताया कि पानीपत सीट मुख्यतः पहले कांग्रेस के पास रही है। आपने जो जिक्र किया बलबीर पाल, इससे पहले हुकूमत शाह के पास भी थी, हुकूमत शाह भी दो तीन बार एमएलए रहे वहां से, अब बलबीर पाल शाह और उनके भाई बने रहे, और वो लगभग माना जा रहा है पंजाबी डोमिनेटेड सीट है। रही बात संभालखे की, संभालखे में एक नंबर पे गुजरात हैं, दूसरे नंबर जाट आते हैं, और इस हल्के ने भी दो दो वो जो है ना वित्त मंत्री दिए हैं। पहले चौधरी कटार सिंह होते थे पट्टी कल्याण, ये भी आप शायद वहीं से हैं, और मूलचंद जैन भी जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो वहीं से थे, संभाल के से, वो संभाल के से लड़ते थे या घरौंडे से लड़े, अब घरौंडा करनाल में चला गया उनके पास ही। पानीपत जो सीट है वो दो भागों में बट गई, ग्रामीण शहरी, और शहरी तो आज भी पंजाबी डोमिनेटेड है और बीजेपी के पास है, और जहाँ तक ग्रामीण की बात है वो भी आज महिपाल ढांडा के पास है, वो भी बीजेपी पहली बार बने हैं, युवा व्यक्ति हैं। रही बात अब संभालखे की, संभालखे में इससे पहले धर्म सिंह शोकर थे, वो भी कांग्रेस से नहीं थे, वो हजक्का से थे जी। तो ये बात पहले समझ लेनी आवश्यक है। जहाँ तक आपने पहले ऐतिहासिक शहर भी थी, एक आपने जिक्र कर ही दिया डिसाइडिंग का, जो फेट डिसाइड करती थी इंडिया का, तो तीन लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी गई, आज भी कालाम नाम की एक बड़ा ऐतिहासिक वो है। अब जो बात आप कर रहे हैं, अब की लड़ाई जो है ना पानीपत की, तीन लड़ाइयां और इसके पहले वाली सारी देख ली, बिल्कुल बिल्कुल, अब की वाली लड़ाई कैसी हो? हाँ, अब की लड़ाई में भी जहाँ तक बात है कि कांग्रेस अगर दोबारा कोई सीट पे आ सकती है वो पानीपत शहर की सीट पे आ सकती है। संभालके की सीट का भी ये पोजीशन है कि कांग्रेस के वो आगे जब आएगा उसके बाद आएंगे, ये कांग्रेस की वापसी हो सकती है क्या? कांग्रेस की आप देखना, आपके जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो कांग्रेस की वापसी मुझे लगता है चारों के चारों सीटों पे होगी। अच्छा, कौन से वाले गुट की वापसी होगी? वो तवर साहब वाले, कोई कांग्रेस में, क्योंकि हुड्डा साहब और बलबीर शाह की क्या मोहब्बत रही है सचिन जी, भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस के लोग इकट्ठे हैं। आजकल सुना है जीटी रोड में आजकल एक नया गोत्र आया है, नहीं सुरजेवाला गोत्र, कोई ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस को जिताना। और आप देखना, आपने बहुत ही बढ़िया शुरुआत ये करी है ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स से लोगों को सबसे बड़ा फायदा जो आपने बढ़िया शुरुआत करी है कि जब भी कोई सरकार में आता है तो बीच में अगर ओपिनियन पोल्स आते रहे तो उसका फायदा ये होता है कि जो सरकार होती है सत्ता में उनको कम से कम आयना दिखाने का काम करता है। अब पता नहीं किसको कितना फायदा होता है नहीं होता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दवा वाले लोग मुझसे बड़ा खुश रहते हैं, बोलते हैं आप जब ऐसा प्रोग्राम लाके लेकर के आते हैं तो हमारी जो बीपी वाली दवा है ना वो खूब धड़ाधड़ ज्यादा बिकती है, खूब बिकती है। फाइनली कोई जमीन देखते हैं? आपके एक थे भी, वो भी पाला बदल के पिछले बार चले गए, जीत भी गए, मंत्री भी हो गए। फाइनली का वर्चस्व रहा है पानीपत में, ऐसी बात नहीं है जी, और हमारी पार्टी, मतलब मैं कहाँ कहता हूँ कि वर्चस्व नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि आईएनएलडी का वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में है, केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक, लेकिन सर उस वर्चस्व का क्या करें जब झोली में एक आध सीट भी ना आए? झोली में हमारी सीट थी, पार्टी बदलने की जो आपने बात कही हमारे एमएलए, लेकिन हमारी पार्टी का जो अपना स्टैंड, हम अपने स्टैंड पर कायम है। झोली की जगह झोला ही बदल गया, वो तो उनकी राय जाने जी। चलिए चलिए, ये संजय भाटिया जी हैं, आप तो बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे कि तीन सीटें हैं, है ना? हालांकि देखिए संजय भाटिया जी की इस मुस्कुराहट में भी है
तो एक कहते हैं कहावत है, मैं तो बिहार से हूँ, वहाँ पे कहते हैं बेल, जानते हैं ना बेल एक फल होता है, गर्मी में पीते हैं पेट ठीक रहता है, तो बेल पका तो कौआ के बाप को क्या, मतलब तीन की तीन क्या, पांच की पांच भी अगर पानीपत में सब जीत जाए और संजय भाटिया जी बेचारे जो है सो दौड़ते ही रहे टिकट के लिए तो क्या फायदा, ये तो मनाते हो एक आध कोई हारे की तरह अपना भी नंबर लग जाए। शशि भाई आपका मेरा परिचय बहुत पुराना है, जब से आप टोटल टीवी में थे तब भी मैं आया था जी। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से जनता टीवी का धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में सबसे पहले आपने की। थोड़ा मैं डॉक्टर अनंत राम जी से दूर बैठा था, माइक था नहीं उनके पास, मेरे तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन बात आपने की कि संजय भाटिया को क्या, मैं जीवन में कभी टिकट के पीछे नहीं भागा और ना कभी जीवन के अंदर मैं सोचता हूं कि मेरे को टिकट की जरूरत पड़ेगी। मेरे को पार्टी ने दो बार मौका दिया, आज संगठन में मेरे को मौका दिया, मैं फुल फ्लैश काम करता हूं राजनीतिक क्षेत्र में। और जहां तक आपने बात की, जो मेरे भाई मुझसे पूर्व कह रहे थे, आपने पूछा कि जमीन तलाश कर रहे हैं, आपको जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हरियाणा की जनता पिछले जब से हरियाणा बना है इन दोनों पार्टियों के कुशासन से तंग आकर फर्स्ट टाइम इतनी पारदर्शी और ईमानदार सरकार उन्होंने बनाई। तीन से चार होगा या तीन से एक, तीन से चार ही समझो, आज भी इंडिपेंडेंट का भी समर्थन हमारे साथ ही है, आप चार में से चार भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट से ज्यादा समर्थन तो हुड्डा साहब को रहता था, इतिहास पन्ना पलट करके देख, नहीं फिर आज की डेट की बात, उस मामले में तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको इनसे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो पानीपत की तीन लड़ाइयां हमने तो किताबों में पढ़ी है, पिछले चुनाव में आपने देखी है, इस बार क्या माहौल होने वाला है वो जरा देखेंगे। तो जारी है जनता टीवी पर ये ब्लैक बॉक्स, यानी अब की बार किसकी सरकार और पानीपत की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, ये गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, ये रिमोट मत उठाइए, इसके तुरंत बाद वापस लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी पर, हरियाणा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो, नाम है ब्लैक बॉक्स, यानी अब की बार किसकी सरकार, और हम बात कर रहे हैं पानीपत की। अब हम जरा चार हलके हैं, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा पानीपत की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और उसके बाद गुत्थम गुत्थी का दौर आगे बढ़ाएंगे। जरा कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। युद्ध की भूमि पानीपत सियासत के मायनों में भी एक रणभूमि ही है। पानीपत जिले में विधानसभा की चार सीटें हैं और इन चार सीटों में से तीन सीटें बीजेपी के पास, तो वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर विधानसभा पहुंचा। आइए पानीपत के सियासी रण को विधानसभा दर विधानसभा समझते हैं। पानीपत शहर विधानसभा 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार बुल्ले शाह को 53,721 वोटों से हराया। 2009 में इस सीट से वीरेंद्र शाह के बड़े भाई बलवीर पाल शाह ने बीजेपी के संजय भाटिया को हराया था। बलवीर शाह कांग्रेस के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने 1987 के उस विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की जब कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर सिमट गई थी। पानीपत शहर पंजाबी बहुल सीट है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा 2009 परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। 2009 में यहां से ओम प्रकाश जैन निर्दलीय विधायक बने जिन्हें हुड्डा सरकार में मंत्री पद भी मिला। कंबोपुरा सरपंच हत्याकांड में नाम आने से ओम प्रकाश जैन को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वर्तमान में यहां से बीजेपी के महिपाल ठांडा विधायक हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धारा सिंह रावल को 36,000 वोटों से हराया। पानीपत ग्रामीण जाट और गुज्जर बहुल सीट है। समालखा विधानसभा 2014 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र मचरौली ने धर्म सिंह छोकर को 20,373 वोटों से हराया। 2009 में यह सीट हजका के धर्म सिंह के पास थी लेकिन बाद में धर्म सिंह बागी होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। समालखा को गुज्जर और जाट बहुल सीट माना जाता है। इसराना
परिसीमन के बाद इसराना की सीट अस्तित्व में आई और ये सुरक्षित सीट है। प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्णलाल 2009 में भी इस सीट से कृष्णलाल पवार ही विधायक थे, लेकिन तब वो इनेलो में थे। 2014 में ही कृष्णलाल पवार इनेलो से बीजेपी में आए और विधायक बनने के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी इन्हें मिला। ये थी पानीपत की सियासी रणभूमि की सियासी परिस्थितियां। अब पानीपत की जमीन पर उम्मीदवारों के रण में किसकी राह कठिन होती है और किसकी आसान, इसके लिए कीजिए थोड़ा इंतजार। चलिए कंट्रोल रूम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पानीपत की एक छोटी सी रिपोर्ट थी कि राजनीतिक समीकरण और जीत हार किसकी होती रही। आप तीनों मेहमान हैं यहाँ पर और अनंत राम जी है। एक हम अपने प्रोग्राम में लव लेटर्स मंगवाते हैं, ये दर्शकों का की मोहब्बत है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के लिए। हम पानीपत सिटी की चर्चा इस सेगमेंट में करना चाहेंगे और जरा सुनिए कि लोग क्या कहते हैं। पानीपत में ट्रैफिक जाम की समस्या है, कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन जाम जस की तस है। पता नहीं अब कौन सी सरकार लाई जाए कि ये जाम से छुटकारा मिल पाए। पानीपत उद्योग नगरी है, लेकिन उद्योगों पर ध्यान नहीं है, माल हम देते हैं, ताल कोई और बजाता है। आपके स्टूडियो में गेस्ट आए तो जरा उनसे पूछिएगा, हम व्यापारियों का दिल तो बीजेपी कांग्रेस INLD सबसे भर गया है। अब तो ये सोच रहे हैं कि अब कौन सी पार्टी हो सकती है जिन पर हम भरोसा करें। विदेशी बिजनेसमैन आते हैं, उनके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, करोड़ों अरबों का हम सामान यहाँ से भेजते हैं, लेकिन ये सरकार हमसे टैक्स लेती है लेकिन हमारे लिए रत्ती भर का काम नहीं करती है। जो मेहमान आते हैं उनके सामने हम शर्म से लाल हो जाते हैं। प्रदूषण से शहर का हाल बेहाल है। एक बार एक विदेशी मेहमान आए और उन्होंने हमसे पूछ बैठे कि आप यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं। ड्रेन नंबर 1, पता नहीं ये कौन सा ड्रेन है, उसका पानी जहरीला है, इसे किसी ने पक्का नहीं कराया। शायद हम अपनी उम्र में इसके लिए आवाज उठाते रहे, इस उम्र तक शायद ये हमारे जीवन में अब नहीं हो पाएगा। बीजेपी के 3.5 साल हो गए, इस ड्रेन की उम्र पता नहीं कितनी है, ये नंबर 1 कबाड़ा नंबर 1 ही रहेगा। संजय जी, मैं आपसे ही शुरू करूं, ये है दुख। आप और हम चाहे जितनी बात करें, जितने सुशासन की बात करें, ये हकीकत। और पानीपत को लेके पिछले 5-8 साल में मैंने जितने बार कार्यक्रम किए हैं, हर बार ट्रैफिक, हर बार ये ड्रेन नंबर 1। मैं शशि भाई आपको कंफर्म करना चाहूंगा, जिस मेरे भाई ने आपको ये लिख के भेजा है, शायद उनकी जानकारी अधूरी है। ड्रेन नंबर 1 पक्की हो चुकी है और उनके दोनों साइड में जो रास्ते भी, जो पटरी के ऊपर रास्ते भी पक्के होने वाले हैं, जो पानीपत में एक फिरनी का काम करेंगे, बाईपास का काम करेंगे, उनकी जानकारी अधूरी। काम चल रहा है या हो गया? मतलब सब कुछ पक्का हो गया? हाँ जी सब कुछ, चूंकि मुझे याद है बलबीर शाह ने बड़ा इसका, हाँ जी पक्का हो गया। और रस्तों का काम अभी टेंडर होने वाला है, रस्तों का काम होने वाला है, ट्रेन पक्का हो गया। नहीं तो ये लिख रहे हैं, वो अगर लिख रहे हैं, इतना धैर्य भी नहीं मेरे इन दोनों भाइयों को, इतना धैर्य भी नहीं। जितनी समस्याएं आपने बताई, ये सारी समस्याएं इनकी सरकारों की दी हुई है। बीजेपी का राज अभी 3 साल हुए, जब से हरियाणा बना इन दोनों पार्टियों का राज रहा। इनसे पूछेगी इन समस्याओं को लेकर, पानीपत से पैसा लेकर जाते रहे, पानीपत को बदले में इन्होंने क्या दिया? ये सायरन है, बीपी की वो जो गोलियां निकाल लीजिए, कंट्रोल रूम से सायरन है। ये ब्लैक बॉक्स वाणी है। पहले दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पहले दौर की काउंटिंग से आए रुझानों के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पर आगे चल रही है। चलिए, ये पहले राउंड की काउंटिंग है और जो पहले राउंड के रुझान आए हैं बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि आप पत्ता सत्ता निकाल के रखिए सर, एक गोली से काम ना भी चले। बीपी की 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को 1 सीट पे बढ़त और INLD को 1 सीट पे बढ़त, लेकिन ये पहले दौर की काउंटिंग है, 4 राउंड में काउंटिंग हो रही है, इसलिए फिलहाल अभी इस पर बात नहीं करेंगे। जरा उधर चावल पकने दीजिए पूरा, फिर आते हैं उस पर। अभी जी, आपने सबसे पहली समस्या बताई ट्रैफिक जाम की। जी, ट्रैफिक जाम हमारे सिटी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि हमारा सिटी जो है पिछले 20-30 वर्षों के अंदर
अनप्लैंड डेवलप हुआ। हमारे शहर के बीचों बीच एक सफेद हाथी की तरह फ्लाईओवर खड़ा किया गया और बिस का डिफेक्टिव डिजाइन था, ना तो कोई एग्जिट छोड़ा गया उसके अंदर, ना यू टर्न छोड़े गए और नीचे लोग शहर एक रोड से दूसरी शहर। अरे सर वो तो जानते हैं ना, इसलिए तो डिफेक्टिव उनको हटा दिया। अब आपको ले आए, 3.5 साल हो गए, मतलब 2022 तक 2022 तक वेट करें। मैं बता रहा हूँ आपको आज क्या उसके अंदर चेंजेस हैं। आज अभी आप पुल के नीचे जाकर देखिए, जितना बड़ा फ्लाईओवर है नीचे सब पार्किंग के लिए सब पक्का हो चुका है, काम चल चुका है। हफ्ते 10 दिन के अंदर वहां पर पार्किंग होना शुरू हो जाएगा। दो एग्जिट एलएनटी अधिकारियों के साथ इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया कि हम टोल पे चढ़ते नहीं पानीपत वाले, लेकिन टोल टैक्स हमें देना पड़ता है। कांग्रेस के समय में इतना बड़ा हमारे ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन हम उसको इम्प्रूव करें। बीजेपी ने आने के बाद सुधार किया, केवल बीजेपी ने ही सुधार किया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट बताइए ना सर। हरियाणा चंडीगढ़ में भी आप हैं, उधर दिल्ली में भी आप हैं। अगर अपना कैमरा आज घुमाइए, अगर आपका वहां पर कोई बैठा तो देखिए कि पुल के नीचे काम कितनी तेजी से पूरा। और टोल वाले मसले को हम उठाएंगे, हम इस टोल को भी खत्म कराएंगे। मतलब 2019 के पहले या बाद? पहले 100%। मतलब चूंकि आपका 2022 तक का एजेंडा है, से पहले सरकार अगर उसने कोई इस तरह का एग्रीमेंट में हमारे को बांध दिया, सरकार बदलने से हम किस तरह से उस एग्रीमेंट को छोड़े, आप उनसे पूछे। अच्छा ये बीजेपी वाले संजय जी थे, मैं आपके पास आता हूँ, ये कांग्रेस वाले संजय जी के पास आ जाऊँ। सर संजय, दो बातें इसमें जो जिस भी साथी ने कही है, बहुत ही बड़ी बात उसने कही। वाकई में पानीपत में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या और वो ड्रेन की भी, लेकिन आप ये फ्लाईओवर जो पानीपत का बना, ये कांग्रेस के टाइम पे बना था, वो ठीक है। आज भी उसमें समस्या है ट्रैफिक की, जो पूरा ऊपर का जो ट्रैफिक जो बाहर से जाता था वो सारा फ्लाईओवर से जाता है। और ड्रेन की जो बात करें तो वो कांग्रेस के टाइम पे काम उसमें पूरा लगभग हो गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। बलबीर शाह को पता नहीं कि बिल्कुल बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी बलबीर पाल शाह जी ने, बिल्कुल लड़ाई लड़ी और वो ड्रेन बनवाया। दोनों चीजें कांग्रेस के टाइम पे हुई है। आप ये पूछिए, 3.5 साल हो गए भाटिया जी यहाँ पे बैठे, इनने 3.5 सालों में इन्होंने क्या किया, ये सवाल आप इनसे करिए। पहला काम बताता हूँ क्या करा जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पानीपत में 2 फ्लाईओवर्स का शिलान्यास एक समय में एक टाइम के ऊपर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। एक फ्लाईओवर आरओबी एक जाटल रोड के ऊपर बनना था, एक आरओबी टीडीआई का जो पुल बनना था जहाँ पर आबादी नाम की चीज नहीं थी, केवल 3 कंपनियां एम्बियंस टीडीआई और पार्श्वनाथ, इन 3 कंपनियों से अंडर दी टेबल पैसा लेकर वहाँ पर जाटल रोड का फ्लाईओवर भी कांग्रेस के टाइम पे बना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी काम हुआ है वो सारा कांग्रेस के टाइम पे हुआ। 3.5 साल का कोई काम गिनवा नहीं पाएंगे इनके पास, गिनवाने के लिए 3.5 साल का ये आरोप लगाना दूसरी पार्टी पे बड़ा मुश्किल। ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पूरा पानीपत में, मतलब आप ये काम ही हमने किया है, आप ये हमने बीच में बैठाया है इनके और उनके बीच में। वो तो कह रहे हैं कि ड्रेन नंबर हमने चालू की है, वो भी कह रहे हैं कि हमने पक्की करवाई है। मैं ये कह रहे भाटिया जी कह रहे कि उसके दोनों तरफ रास्ते बनने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं भाटिया जी से पूछता हूँ कि उस शहर के अंदर उस ड्रेन के ऊपर जिसके अवैध कब्जे हैं, पहले वो तो हटवाए, वो रास्ते बनेंगे कहाँ से? हवाई जहाज से बनेंगे क्या? बाई एयर आने का रास्ता बनेगा? ये बताए तो, मेरा गांव उसके पास है, मेरे खेत के पास से। मेरे बड़े भाई ने बड़ी खुद ही समस्या बता दी। ये बताओ ना, वो एनक्रोचमेंट किसकी है? अपनी बिल्कुल एनक्रोचमेंट हटाए। शशि भाई इधर कीजिए, मैं बताता हूं। ये एनक्रोचमेंट हटाने में क्यों डरते हैं? ये मेरी बात है कि एनक्रोचमेंट सभी फैक्ट्रीज जो उसके साथ बनी हुई है उन लोगों की है। मतलब वो बीजेपी वालों की है, वो बीजेपी के है, कांग्रेस के किसी के भी है, लेकिन वो रास्ता तो बनेगा ना, जब रास्ता होगा। जवाब मुझे देना था, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने निशान भाई का, उसने जवाब दे दिया। तो हटवा दीजिए ना एनक्रोचमेंट। जो सरकार एनक्रोचमेंट के नाम से ही जानी जाती थी पिछली सरकार, कब्जों वाली सरकार, ऐसा है शशि जी अगर मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भाटिया जी से, कोई एक आदमी वहाँ पर किसी INLT के आदमी कब्जे कब्जे तो इनके आदमियों ने करे, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हैं उनके किनारे पे कब्जे करने वाले। ये शशि में अगर जो सबसे ज्यादा सुधार हुआ, आप सचिवालय की बात करिए, नया सचिवालय आप देखिए कितना खूबसूरत कांग्रेस के टाइम पे बना, फ्लाईओवर बना, बाईपास बना और ड्रेन का काम हुआ।
और भाटिया जी की बात सही है कि ये कब्जे वाला काम तो इनेलो वालों का, इन्हीं के लोग आरोप लगाते हैं। ये इन्हीं को वही बात याद आ रही है, इनको वही मुद्दा याद आ रहा है जो ये काम करते थे। ये जमीन जो ट्रांसफर करी थी वो किसने की? अनंत अनंत राम जी, ये कब्जे की जो लड़ाई है। अब दिक्कत क्या है अनंत राम जी की, ये जानते हैं ये संजय जी कांग्रेस वाले भी, वो संजय जी बीजेपी वाले भी, ये INLD वाले बात कर रहे हैं पानीपत में इंक्रोचमेंट की। अब मुश्किल क्या है कि ये अगर बुलडोजर लेकर के पहुंचे या वो बुलडोजर लेके पहुंचे तो पब्लिक तो इनके ऊपर ही बुलडोजर चला देगी। अब ये वोट का ऐसा लफड़ा है कि ना ये इंक्रोचमेंट हटवा सकते हैं ना वो हटवा सकते हैं, दोनों की वोट पॉलिटिक्स है। ये पानीपत की समस्या कभी सुधरेगी क्या? हाँ देखिए, एक बात बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, बड़ा रेलेवेंट है कि ये जो फ्लाईओवर बना ना, ये तो वास्तव में इस दिशा में जाम को निजात दिलाने के लिए बहुत बढ़िया गंभीर प्रयास हुआ। ये तो बात मानने लायक है। और अच्छा नहीं सुन लो सही, अच्छा अच्छा फिर बाईपास भी बनाए, लेकिन कई जगह कौन सा बनाए? ये बाईपास बताए तो शशि जी, वो जो गुहाने को जाता है कौन सा? वो शिवा से पहले, वो रोहतक रोड का बाईपास है, एक कंपनी ने अपना बनाया है, वो कोई इसको उसके पूरे पानीपत बाईपास और क्या है, बाईपास ही बोलेंगे उसको। कौन सा पानीपत को बाईपास ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा बाईपास है, ये तो बताए। अरे एक शहर मैं बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट बता, आपने बाईपास दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ कहा? नहीं नहीं मैं बता देता हूँ ना, जो सुनिए मैं बता देता हूँ, जो पानीपत की पुलिस लाइन बनी है शिवा के पास है, उससे थोड़ा आगे चल के गुहाने की साइड जाए। ये समझाइए कि ये तीनों पार्टियां, ये कांग्रेस बीजेपी INLD या दूसरे जो लोग भी है इंडिपेंडेंट है ना, क्या पानीपत डिस्ट्रिक्ट के साथ किसी ने जस्टिस किया क्या? नहीं, क्या सब अपने नहीं नहीं नहीं, ये मैं विभाग बात करना चाहता हूँ, वास्तव में नहीं किया। इतना रेवेन्यू देता है 2200 करोड़ से लेके 2600 करोड़ का हैंडलूम अकेली का एक्सपोर्ट करती है वो, और इतना रेवेन्यू जैसे गुड़गांव के बारे में कहा जाता है 56% रेवेन्यू देता है, तो पानीपत भी बड़ा भारी रेवेन्यू देता है, और पानी उसके हिसाब से पानीपत के साथ न्याय नहीं हुआ। चलिए ये अनंत राम जी भी कह रहे हैं और जी इंक्रोचमेंट के ऊपर एक बार कहा गया वोट की पॉलिटिक्स है। हाँ, कांग्रेस वाले हटा रहे, अगर वोट की पॉलिटिक्स बीजेपी को करनी होती हाँ, तो इनकी सरकारों की तरह नौकरियों को बेचते। हाँ, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, पेंशन को कभी बैंकों के अंदर ना डालते जो लोगों की जेब में पैसा जाता था। तो सर देर क्यों कर रहे हैं, दो देर क्यों कर रहे हैं, हटाइए इंक्रोचमेंट। पानीपत की बात करो ना, कह रहे हैं पानीपत एक्सपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाला, इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया इस मुद्दे पर। अब भाई पेंशन हो गई, वो लोग सब्सिडी, वो लोग जो बूढ़े उस पेंशन को लेने के लिए बैंकों के बाहर बैठे रहते, वो भी तो देखे ही जा करके। हैंडलूम वालों को टैक्स फ्री किया जाता है, जो आज के टाइम में इससे दयनीय हालत नहीं हो सकती। आप आपने लोगों से तो पूछा, हैंडलूम के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फैक्ट्री, उनसे पूछो ना क्या हालत है। वो भाई उनका भी तो दर्द है ना कि विदेश से बिजनेसमैन आते हैं, उनकी ये सबका रिप्रेजेंटेशन है। ये कुल ये जो पानीपत शहर के शहरी हलके से जो सीट है वहाँ से 336 लोगों ने भेजा है। कॉलेज बने जी, मतलोडा, पानीपत शहर और बाबोली। आप सब जवाब मांगिए उनसे कि क्या। चलिए ये दौर लगातार जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पानीपत की लड़ाई यूं ही पहली दूसरी तीसरी मशहूर नहीं रही है, स्टूडियो में पता नहीं कौन वाली लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन हमारा मसला तो आपके लिए बातचीत करना है। ये ब्लैक बॉक्स है, अब की बार किसकी सरकार, ये रियल टाइम ओपिनियन पोल है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपकी भी बात करें, जनता की बात करें। ये जनता टीवी है। एक छोटा सा ब्रेक और रिमोट मत उठाइए, वहीं रहने दीजिए। इसके बाद जब लौटेंगे तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग के रुझान सामने आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स, अब की बार किसकी सरकार। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है, मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्लैक बॉक्स, हरियाणा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लाइव पॉलिटिकल शो। और ना और देखना यह है कि ये ब्लैक बॉक्स इस बार क्या करता है। मेरा निजी तजुर्बा ये रहा है, इसके पहले अब तक जितने भी ओपिनियन पोल्स किए हैं, लोग कहते हैं कि हवा पूरब से चल रही है
और ये बॉक्स ऐसा है जो कहता है भाई साहब ये पश्चिम से चल रही है हवा। अब देखते हैं कि इस बार यहां से क्या निकलता है। इस सेगमेंट में सेकेंड राउंड की जो काउंटिंग है वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके पहले हम पानीपत सिटी की बात कर रहे थे, पानीपत ग्रामीण हलके की इस बार हम बात करते हैं। और जो लव लेटर आया है वहां से वो भी मैं पढ़ता हूं। शुगर मिल बनाने के लिए कांग्रेस ने आधारशिला रखी लेकिन काम ही नहीं हुआ, न शुरू हुआ न पूरा हुआ। बाहरी कॉलोनियों को पक्का करने की मांग बहुत लंबे अरसे से होती रही है, पक्का होता नहीं है और इसका नतीजा ये है कि हमें यहाँ वहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ग्रामीण इलाके में पानी की निकासी की समस्या है, साफ पानी की की काफी दिक्कत है। ड्रेन नंबर 1 को पक्का करवाने की मांग, अब ये क्यों पता नहीं बार बार आ रहा है। हो सकता है आपका वो पक्का हो गया लेकिन ऊपर की सड़क ना बनी हो तो लोग ये समझते हैं। पब्लिक सर क्या है ना कि आप 50% रहे 60% रहे वो 100% चाहती है। यहां से भी आ रहा है कि ड्रेन नंबर 1 को पक्का करवाने की मांग, यानी कि आप अभी भी इसका मतलब वो बहुत ही नीट एंड क्लीन नहीं है, वहां कूड़ा टाइप का होगा जो आप सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। तो अंदर अंदर पक्का हो, ऊपर सबका सब कबाड़ा हुआ हो, ये एक मसला है। वो ऊपर से दिखता है पक्का हुआ जी, हो सकता है उनको पता ना, क्योंकि बहुत पुरानी डिमांड ये पानीपत की थी। हाँ, और मुझे लगता है और शुगर मिल का बहुत बड़ी मांग रही है। वहां दाहर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी थी, अब आप देखिए 3.5 साल हो गए कोई काम उस पे शुरू नहीं। जी, इसका जवाब तो भाटिया जी देंगे, वो तो हम ले लेंगे उनसे। जी आ रहा हूँ। हुडा साहब रहे ना 10 साल कंटिन्यूटी में, नहीं उसके पहले भी हमारा पानीपत का शुगर मिल चलता था। लोगों ने बात उस टाइम पे भी बात हुई थी उसको नया बनाने की, लेकिन पानीपत में शुगर मिल चल रहा था, नया बनने की बात थी लेकिन वो नहीं बन पाया। कई बार जब पानीपत जाता हूँ और जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि पानीपत का बेड़ा गर्क हो गया हुडा जी और बलवीर शाह की लड़ाई की वजह से। नहीं, कोई जितना काम पिछले आप क्या कहते हैं 10 साल में कांग्रेस की सरकार, ये पब्लिक कहती है राम जी, यहाँ पे आप पब्लिक कहती है कि आप मिनी सेक्रेटरी की बात करिए। आ रहा हूँ, आप अगर नया 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल हमने बनवाया, आप जितने काम कांग्रेस के टाइम पे बलवीर पाल शाह जी के टाइम पे हुए हैं उतने काम तो सर ये कर भी नहीं पाए। तो बलवीर शाह जी को क्यों बार बार नाराज होना पड़ता था, क्यों नाराज मुझे याद है हुडा आज उठाना ही गलत बात है, इसीलिए ज्यादा काम हुए जी, इसीलिए ज्यादा काम हुए वहाँ पे। काम का नमूना मैं बताता हूँ, आ रहा हूँ संजय जी, आपके पास छाजपुर प्रपोजल रखा था अपने राज में, बिल्कुल एक ईंट नहीं लगी, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रख दी, 57 का मिल है। आज गन्ना किसानों को यूपी में जाना पड़ता है, 200 रुपए में अपना गन्ना बेच के आ रहे हैं। अब ये दोनों लड़ रहे हैं ना इस बात के। आप ये हमने बताइए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं लोगों को। मुख्यमंत्री जी आज कहते हैं कि हमारे पास पैसा मिल नहीं लगा सकते, जनता अपने आप लगा लीजिए, ये आज अपने आप लगा लीजिए। मिल के प्रति और किसानों के प्रति ये हाथ का नमूना पेश है आपके सामने। के जो हुड्डा साहब के काम का नमूने का उदाहरण मैं देता हूँ जी, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे, जीटी रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर्स बनने थे, जो जीटी रोड 1 नेशनल हाईवे के ऊपर 7 साल तक बिना कारण के वो फ्लाईओवर बीच में अधूरे रहे। ये तो ये तो जाम की और एक्सीडेंट की हालत इन्होंने क्या कर दी, सारे फ्लाईओवर पानीपत का फ्लाईओवर, भालका का फ्लाईओवर, गोंडा का फ्लाईओवर, सारे तो कांग्रेस के टाइम पे बने, टेबल एडजस्टमेंट के बिना नहीं होता था। और हमारी सरकार ने आते ही सारे के सारे फ्लाईओवर कांग्रेस के टाइम पे बने, आप इनके टाइम का एक भी फ्लाईओवर बताइए। प्रपोजल सारे शुगर मिल बता दो, कांग्रेस का टाइम पे शुरू हुआ था। शुगर मिल पिछले 10-15 सालों से किसानों को बेवकूफ बनाया जाता रहा। हमारी सरकार के अंदर जमीन चिन्हित की गई, जमीन के ऊपर जो पानीपत वाली शुगर मिल है उसकी शिफ्टिंग का काम काफी हद तक हमने जो एग्रीमेंट है उसको पूरा किया। बीओटी सिस्टम सर देखिए देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप फाइल में क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताइए सर कि जमीन पर वो उस शुगर मिल में शुगर कब बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, मेरी बात सुनिए शशि जी, जो शुगर मिल एग्जिस्टिंग है उसी
की कंपनी उसके साथ एडजस्टमेंट करके वही शुगर मिली वहां से ट्रांसफर होनी, नई मशीनरी आनी है हाँ। लेकिन उस लैंड की एवज के अंदर जब तक ये चले जाएंगे जब तक आएगी उसी पैसे से वो शुगर मिल वहां एडजस्टमेंट। टाइम फ्रेम विद इन हमारी सरकार के अंदर ये तय होगा। इसके बाद 20 सालों में नहीं करा। कौन सी कंपनी की शुगर मिला, किस कंपनी से बताइए आप। मैं आपको एग्रीमेंट दिखाइए, आपको एग्रीमेंट दिखाइए कहा है। आपको एग्रीमेंट दिखाइए। मुख्यमंत्री ने पब्लिकली बयान दिया कि हमारे पास कोई है। इधर करिए इसको। जी जा रहा है, सब जा रहा है, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। आप ये भाटिया जी को इसकी जानकारी पूरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिकली बयान दिया है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप शुगर मिल किसान मिलके अपने आप लगाइए। ये पब्लिकली बयान दिया। अच्छा, तीन प्रपोजल थे, मैं आपको बता दूं। ये तो चलो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला था उड्डा के साथ, आप अपनी वाली लड़ाई लड़ लीजिए सर। उड्डा के साथ जमीन कॉन्ट्रैक्ट करके ये जमीन बेच करके बाहर लगा ली थी, वो फाइनल वो खत्म हो चुका है, वो उड्डा मना कर चुके हैं। भाटिया जी सुन तो ले वो सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इन्होंने उस जमीन के 74 एकड़ लैंड ली थी, उसके पैसे उसको दे दिए थे डार की पंचायत को। वहां पर अब जो है ना उड्डा ने आठा दिए, हमारे पास पैसा कोई लगाने के लिए। वो सारे एग्रीमेंट जितनी प्रपोजल थी वो सारी खत्म हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक बात की है, जो किसान जो है अपने आप लगाना चाहे तो लगा ले। कुल मिला के बताइए कि हाथ सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, किसान सड़क पे है जी। चलिए गन्ना जो है सब आप समझते रहिए। ये नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज की जब रैलियां होती हैं और उसमें जब लंबी चौड़ी बात की जाती है तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि शुगर मिल का वजूद फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि शुगर मिल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सर सायरन ब्लड प्रेशर देखिए कंट्रोल रहे। ये ब्लैक बॉक्स वाणी है। दूसरे दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे दौर के काउंटिंग में आए रुझानों के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम नहीं चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल चले जाएं सर, इसीलिए सीट हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं। सेकेंड राउंड के काउंटिंग में फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि पहले राउंड में जहां बीजेपी 2 सीटों पर 2 हलकों में आगे चल रही थी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर INLD थी, सेकेंड राउंड में हालात थोड़े से बदले हैं। बीजेपी अब भी 2 सीटों पर ही आगे चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस 2 सीट पर अब बढ़त बनाती हुई दिख रही है। सीट सर हम बता नहीं रहे हैं, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, ताकि जिसको एक भी सीट आ नहीं मतलब मेरा तो देखिए मेरी फिलॉसफी ये है कि कोई एक सीट पे मान लीजिए कांग्रेस आ जाए तो आप खुश रहिए कि हम जीत रहे हैं, या शहर वाले मतलब कोई एक सीट मान लीजिए हो गया कि कांग्रेस आगे है या जीत रही है तो आप भी खुश रहिए, मतलब चारों लोग खुश रहे, संजय भाटिया भी खुश रहे कि हमारी वाली बच रही है। मैं पूछना चाहता हूँ जी एएमपी का प्रपोजल जी जो लड़ रहे हैं, केएमपी में मैं आता हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो शुगर मिल को लेकर करके आप आस लगाए बैठे हैं, आप उस पर 0 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और वास्तविकता ये है कि शुगर मिल अगर कोई धरना सेठ आया तो लगाएगा, और वो वैसे ही आपसे लेगा जैसे दूसरे धरना सेठ लेते हैं। तो आप इस पर चैप्टर क्लोज कर लीजिए। एमपी का प्रपोजल एक दूसरा आ जाऊंगा केएमपी पे। ये बड़ा आपके प्रपोजल ही रहे, बड़ा मसला है। बाहरी कॉलोनी ये नाइंसाफी होगी वहाँ के लोगों से। ये बाहरी कॉलोनियों को लेकर स्टेटस क्या है, बाहरी कॉलोनियों को लेकर स्टेटस सर क्या है, ये बहुत बड़ा मसला है। बाहरी कॉलोनियों का नारकीय जीवन आज तक बाहरी कॉलोनियों की राजनीति इन दोनों पार्टियों ने करी। हर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाला कि हम अपरूड करेंगे,
किसी ने नहीं किया सर। आप अपनी वाली का बताइए ना, 562 कॉलोनियों का सर्वे कंप्लीट हो गया विद इन ए वीक, 15 डेज, विद इन ए मंथ ये अप्रूव्ड हो जाएंगी। ये अनाउंस हमारी सरकार करने वाली है। और जहां तक विकास की बात है, ये ठोक मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं है ना? आज भी ये एलिगेशन लगा, नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, आज भी दूसरी पार्टियों के ये एलिगेशन, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में सड़कें कैसे बन रही है वहां पर जाकर देखिए, पानी की, सीवरेज की और सड़कों की स्थिति आज कॉलोनियों में जो इन्होंने 20 आप हफ्ते 10 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा सर, पक्का होगा। ये अगर जो बाहरी कॉलोनियां हैं और अगर संजय जी की बात को अगर मान लें, क्योंकि ये एक पद पे भी हैं बीजेपी में और पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं, पॉलिटिक्स गई हमारी, पॉलिटिक्स क्यों गया? ये कौन सा बका नहीं रहे, अप्रूव्ड आ जाएगी। हाँ। इतना वो तो कह रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग है, मैं उसे क्षेत्र का आज कर लिया आपने, 20 साल कर लिया। अरे वो कॉलोनियां थी आपके सर, ये क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तभी आई है जब कितने की बना दी थी इन्होंने। पानीपत विधान ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र डिलिमिटेशन में आया, उससे पहला सारे शहरी क्षेत्र था। जब भी संजय थे या कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगम इनके पास था, नगर पालिका के चेयरमैन थे। ये तो बताए कि कभी भी नगर परिषद के क्षेत्र में नहीं रही, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ, नगर परिषद एरिया से बाहर थी। इनको ये नहीं पता कि पत्ती राजपूतान, पत्ती अफगान और गांव के एरिया में बिचपड़ी, नूरवाड़ा, उन क्षेत्रों के अंदर कॉलोनियां आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये हमेशा ग्रामीण ये बाहरी बाहरी सभा क्षेत्र का हिस्सा, बाहरी कॉलोनी, बाहरी ये पानीपत रूरल जी रहे थे लोग, जी पानीपत जिससे आप रिप्रेजेंट करते थे, जरा कांग्रेस था, कांग्रेस का भी सुन ले जरा। ये बाहरी कॉलोनियों का मसला, अगर संजय भाटिया जी की बात को अगर विश्वास किया जाए, और चूंकि पंचवर्षीय नहीं, वो कह रहे कि 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर तो कांग्रेस से नाराजगी और बढ़ जाएगी सर। ये जो सेकंड राउंड में अगर अभी है भी, मान लीजिए आपको 2 सीटें मिल भी जाती हैं फाइनल, मेरी तो शुभकामना सबके साथ है कि 4 में 8 सबको मिल जाए, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन हो गया तो ये आप समझते नहीं कि कांग्रेस और INLD दोनों के वजूद के लिए इस हलके में तो बड़ा खतरा होगा? शशि जी, बाहरी कॉलोनियों में जितना काम, जितना पैसा कांग्रेस के टाइम पे आया है, इतना 3.5 साल में बीजेपी नहीं लेके आई। और दूसरी बात ये है, जब 3.5 साल में ये एक भी गली, एक भी रोड पक्का नहीं कर पाए, जब तक इनकी अप्रूवल आएगी, जब तक तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो बाकी बचा हुआ काम हमें ही करना है, और पहले भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पे काम किया हुआ। चलिए ये दो मसला है ग्रामीण में, है ना, एक तो चीनी मिल जिसमें ये सबने आज एक्सेप्ट कर लिया, और पानीपत ग्रामीण के लोग या उस पूरे इलाके के लोग, अब आप समझ लीजिए कि जो अब ये मांग मत उठाइए, ये क्लियर हो गया, सब जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो शुगर मिल गया तेल लेने, चीनी तो बाद में निकालिएगा, और बाहरी कॉलोनियों का मसला ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बिल्कुल दोनों, पहले शुगर मिल की बात बताऊं, मैं बहुत आयु रखता हूं, 75 साल से ऊपर का हूं, जब जायंट पंजाब था 2 शुगर मिल इधर लगे थे, रोहतक का और पानीपत का, सबसे पहले ये 57-58 की बातें हैं। उनमें से अब जो बात बता रहा हूं, वो उसकी मशीनरी पुरानी थी, इसकी मशीनरी पुरानी, रोहतक ने तो अपना बाहर शुगर मिल लगवा लिया हुड्डा के टाइम में, लेकिन पानीपत की मिल की मशीनरी बहुत पुरानी होते हुए भी, मांग होते हुए भी, गन्ने की पिराई कम होते हुए भी, और उसका जो रेट निकलता है शुगर का वो कम होते हुए भी, पानीपत की आज तक दोबारा मशीनरी या तो चेंज नहीं हुई और ना डाल। कौन रिस्पांसिबल है इसके? अच्छा, तीनों सरकारें, क्योंकि ऐसा भी दौर आया 2004 तक उनकी चौटाला साहब की भी सरकार रही, 10 साल इनकी भी सरकार रही, अब बीजेपी की भी सरकार है। ये क्या बात है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए, जो कि गन्ना उत्पादक, आज से नहीं जैंट पंजाब की मैं बात कर रहा, लेकिन अब तो भूल जाए ना, ये तो तीनों के तीनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब वो भी सुन लो, अब धार जमीन तय कर ली गई थी, उसकी पेमेंट करने की बात हो गई थी, धार बिल्कुल निकलते गोहाना रोड पे गांव पड़ता है, पानी सब जानते, और मैं धार ही कह रहा हूँ। अच्छा, पेमेंट की भी बात होने लगी थी, अब वो फिनेंशियल क्राइसिस के नाम पे, आप बताइए कि स्टेक होल्डर तो किसान हैं, तो उनका क्या दोष है? सरकारें तो आती रहती, बदलती रहती,
उनका क्या है, जैसे कोई पढ़ाई हो तो बच्चों शुगर मिल के लिए इन्होंने रख दिया। ये बाहरी 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 अब बाहरी अब बाहरी का अब बाहरी कॉलोनी के समय देखिए निश्चित रूप से ये बाहरी कॉलोनियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो सड़कों को लेकर है चाहे पेयजल को, डिसाइडिंग फैक्टर है ग्रामीण। अच्छा जो पानीपत ग्रामीण हल्का है उसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी अपना भाटिया साहब अनेक उन कॉलोनियों के नाम भी ले रहे थे, उन गाँव के नाम अफगान पाना ये कई बातें इन्होंने कही। मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या इतनी जल्दी हल होने वाली नहीं है। वहाँ भी वहाँ सुनिए प्लीज, मैं वहाँ भी फिनेंशियल बात कह करके रिसोर्स ड्राई हो गए हैं। लेकिन अगर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन कर देती है ना, ऑथराइज कर दे रेगुलराइज को, जो वो अब जो उसको कहते हैं कि इरेगुलर कॉलोनीज है उसको अगर नोटिफिकेशन करके रेगुलर कर दे तो भाई आपकी रजिस्ट्री से लेकर के वहां पर सीवरेज सड़क अभी जो भी आप फंड लगाते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ता है। एक दफा वो रेगुलर हो जाए तो फिर उस और वो रेगुलर होते ही वो नगर निगम में या जो भी है उसमें शामिल हो जाएगा, उसके लिए बजट होगा, उसकी भी बात सुन वो तो एक पॉलिटिक्स को टर्न दे देगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक अहम मुद्दा आपको बता रहा हूँ, मैंने तो सारी उम्र यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिशन पढ़ा है। आप बताइए फिर सेस लगाएंगे रेगुलराइजेशन के पर नाम पर यार्ड लगेगा वो, और वो कितनी लोगों पे बोझ पड़ेगा, वो दे पाए नहीं बेचते हैं। बात रिसोर्सेज की हो रही है, ये जितनी देर में सुन रहा था बात रिसोर्स की आके अटक जाती है कि नहीं हमारे पास इतने साधन नहीं कि सभी सारी गलियां पक्की कर दें पानी। अच्छा, का इसमें एक पेज लगा रेगुलर एक पेज है कि अगर रेगुलर होगा तो फिर वो डेवलपमेंट चार्जेस और जैसे ही सेस लगाएंगे तो संजय चोकर जी मुस्कुराने लगे, इधर आए एनएलडी मुस्कुराने लगे। ये 1000 रुपए वर्ग गज का प्रपोजल आया था कविता जैन ने, लोगों ने उसको मना कर दिया था उस टाइम इन्होंने सेस अगर आ गया तो अगर आप अपनी सरकार का प्रपोजल बता रहे होंगे 1000 रुपए का, 1000 का कोई प्रपोजल नहीं आएगा, इतना नॉमिनल आएगा। और मैंने आपको बताया कि जो शासन है वो ना बहुमत से चलता है ना अल्पमत से चलता है, जनता की सामान्य इच्छा से चलता है। सेस कहीं आपके लिए गले की हड्डी ना बन जाए, वो सेस शब्द बोल रहे हैं डॉक्टर। नहीं मैंने सेस नहीं कहा, डेवलपमेंट चार्जेस का, डेवलपमेंट आप सुनते नहीं तो डेवलपमेंट मैंने डेवलपमेंट चार्जेस सेस नहीं। सर आम आदमी क्या करे, आजकल सेस आप इतना लगा देते हैं कि आदमी टॉयलेट जाता है तो भी समझता है कि यहाँ भी सेस न देना पड़े। चाहे नगर परिषद रही हो और अब नगर निगम है पानीपत के अंदर, डेवलपमेंट चार्ज मैं बोल रहा हूँ न्यूली डेवलप्ड एरिया के अंदर सदा से बिल्डिंग बायलॉज में देख लीजिए, आप जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके अंदर देख लीजिए, न्यूली डेवलपमेंट एरिया के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज किए जाते हैं अभी विद इन सिटी पानीपत के। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल नहीं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब से निगम बने पानीपत के अंदर आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मंगवाइए, आप ऑनलाइन अभी उसके ऊपर है, करोड़ों रुपया इन कॉलोनियों के अंदर पहले ही जितने रिवेन्यू रिकॉर्ड के जिन्हू रस्ते थे सारे पक्के हो चुके हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है, ये एक और सेगमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संजय छोकर जी के घर चलेंगे, समालखा घर है इनका, वहाँ के भी बड़े मसले हैं और मसले बड़े पेचीदे हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वहाँ की लड़ाई कैसी है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं, आप लगातार देखते रहिए जनता टीवी पर, यह आपका अपना शो है जहाँ हम आपकी आवाज उठाते हैं, आपके लव लेटर्स पढ़ते हैं और आप की पसंद और नापसंद का जिक्र करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक जारी है, ब्लैक बॉक्स अब की बार किसकी सरकार।